तो यहाँ पे रोका गया है, अब पता नहीं क्यों। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, कोई मसला नहीं। आप लेट क्यों आ रहे हो? 150 सीसी आज आपके पास। अबे हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे रुक के ठंड के थोड़े से नज़ारे लिए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और 12 मिनट बारह सो गाइस अभी हमें 12 मिनट लगेंगे और क्या फोन वे फोन गुम तो नहीं कर दिया भाई। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फुकली व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। तो कल व्लॉग नहीं आया, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। तो कल व्लॉग क्यों नहीं आया, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली मैं व्लॉग पूरा शूट कर रहा था सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को जब एडिट लगा करने तो एक कैमरे और कार्ड में शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई करप्ट हो गया सब कुछ। तो जो डाटा था बीच में तो वो रिकवर नहीं हो पाया, तो वो मैं जब एडिटिंग के लिए डाटा निकालने लगा बाहर तो वो निकला नहीं, तो फिर मुझे कार्ड को फॉर्मेट करना ही पड़ा। तो कोई इशू हो गया था शायद, कैमरे में कोई दिक्कत आ गई थी गोप्रो में, या फिर कार्ड का कोई मसला था। फिलहाल अभी वो ठीक है, तो अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता। आज शूट करके फिर ही पता लगेगा शाम को जब एडिट करने बैठूंगा कि ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ठीक ही होगा, एक्चुअली मैंने अभी शूट करके देखा था थोड़ा बहुत, तो वो ठीक था प्रॉपर। तो मुझे लगता है स्टोरेज कार्ड की फुल होने की वजह से वो सब मसला हुआ था, पर कोई नहीं, हो गया जो होना था। पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे कि मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाया आप सबके लिए। कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था तो बहुत सारे भाइयों ने बोला कि नहीं भाई व्लॉग चाहिए चाहिए। तो सो गाइस आज व्लॉग आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आज आए ही आए व्लॉग। तो फिलहाल आज का मैं बता देता हूँ, अभी मुझे जाना है आज हमें बटोत वाली साइड, वहाँ पे क्यों जाना है क्या नहीं वो सब बातें करेंगे रास्ते में। तो उससे पहले मुझे करवानी है अपनी बाइक की इंश्योरेंस, पोल्यूशन, जो दोनों ही ड्यू है। आज मैंने कल ही शाम को देखा वो दोनों ड्यू हो चुकी हैं। तो मैं बाइक इतने दिन से 10 दिन से लगातार मैं बाइक चला रहा हूँ, दोनों चीज़ें ड्यू चल रही हैं। तो फिलहाल वो सब पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो तो फिर ही घर से निकलना चाहिए। तो पहले अभी मैं फिलहाल जाऊँगा इंश्योरेंस करवाने, पोल्यूशन करवाने, फिर वहीं से सीधा निकलेंगे हम बटोत वाली साइड। तो साथ में कौन कौन जा रहा है? इब्राज जा रहा है, साकिब जा रहा है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मुझे अपना काम फिनिश करना है, तो उसके बाद निकलना है। तो चलो व्लॉग में बने रहें, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, सो लेट्स गो। तो ये रही इंश्योरेंस अपनी हो चुकी है, तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अभी फ़िलहाल अपना रह चुका है पोल्यूशन, तो अभी पोल्यूशन करवाएंगे। ये रहा पोल्यूशन वाली शॉप। सो गाइस फाइनली अपना पोल्यूशन भी हो चुका है रेडी। फिलहाल अभी मुझे जाना पड़ रहा है नरवाल वापस घर से। तो वो क्यों जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं साकिब का थोड़ा सा सामान वहाँ पे रह चुका है, तो सादिक भाई को मैंने कॉल करके बोला है कि वो ले आए मुझे नरवाल में पकड़ा दें। तो अभी सीधा जाके नरवाल से वो पिक करना है और फिर सीधा निकलूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। तो फाइनली सादिक भाई आ गए हैं, थैंक यू ब्रो, आपको तकलीफ दी, मिलते हैं एक दो दिन बाद। अच्छा पावर बैंक आ गया, ओके। यहाँ पे हो रहा है अपना पेट्रोल फिल, तो देखते हैं कितने में होता है आज। तो फाइनली गाइस निकल चुके हैं, सारे काम डन हो चुके हैं, पेट्रोल फिल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। 5 बजे से भी ऊपर का टाइम हो गया, तो धुंध थोड़ी थोड़ी दिख रही है। तो मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा लेट पहुँचेंगे वहाँ पर और व्लॉग शायद लेट हो जाए। अभी राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, अगर दूर कहीं जाना है बाइक पे तो प्रॉपर पूरा सेटअप अपने पास होना चाहिए, फिर ही घर से निकलो, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। गर्मियों का क्या सीन रहता है कि ये बंदा घर से निकल जाता है, बाइक पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, बंदा एकदम से मैनेज कर लेता है, पर फिर भी अभी मुझे ठंड लग रही है। अंधेरा हो गया है बस, और अगले मोड़ तक 5 मिनट तक प्रॉपर अंधेरा हो जाएगा पूरा। और अभी हमने उधमपुर भी क्रॉस नहीं किया है, सेकंड चेक पोस्ट यहाँ का, तो यहाँ से उधमपुर ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक रास्ता उधमपुर का यहाँ इस साइड से जाता है जो पुराना रास्ता था, पर हम जाएंगे मेन से, क्योंकि बाजार वाली साइड से क्या होगा कि हमें ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो अभी उधमपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो सामने तुम देख रहे हो पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है ना, अच्छे से दिख नहीं रहा है प्रॉपर। तो फाइनली उधमपुर क्रॉस कर लिया है, तो अभी इस रास्ते पर पहुँचे हैं, होप कि ट्रैफिक ना मिले कहीं। पहले यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, पर अभी ये ठीक हो गया ऑलमोस्ट, तो आगे भी ठीक ही रहे तो अच्छा होगा, फटाफट निकल जाएंगे। तो वो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है ना, मैं बता नहीं सकता कुछ, एकदम प्रॉपर सब कुछ डाला हुआ है पर फिर भी ठंड लग रही है। सो लेट्स सी, आगे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे नहीं लगता इस टाइम व्लॉग बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि आज आगे कुछ दिख नहीं रहा, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा है ना। फाइनली गाइस जो गंदा रास्ता था धूल मिट्टी वाला, वो हमने क्रॉस कर लिया है, तो अभी फ़िलहाल आगे आएगा नाशरी टनल। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटनिंग दिख जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा बहुत आपसे बात कर लूँ।
तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टनल क्रॉस करते ही थोड़ा सा दूर जाना है आगे। तो यहाँ पे रोका गया है अब पता नहीं क्यों। हाँ दूसरे लड़के के पास से आ रहा है पीछे, पर हमने यही क्रॉस करना है, सिर्फ ये वाला टनल ही क्रॉस करना है। टनल का इशू है। अच्छा इधर टनल में ना। हाँ ओके करते हैं कुछ। सो गाइस यहाँ पे दिक्कत हो गई है, साकिब के पास हेलमेट नहीं है। हाँ जी हेलमेट है तो बेस्ट, हमारे पास टोपी पड़ी है कोई? सर हमें ना सिर्फ यही अच्छा अच्छा नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके। आप इनको वहां ले जाओ, दूसरी गाड़ी में बैठाओ, वहां जाके ये आप अगर हेलमेट है फिर जा सकते हैं दोनों। आ रहा लड़का ठीक नहीं, एक और बाइक है ना हमारे साथ। कोई बात नहीं जी जी, ओके ब्रो ओके। सो गाइस गलती अपनी है, हमारे पास हेलमेट नहीं थी एक्स्ट्रा, और तो अब जा रहा है तो सब कुछ है ठीक है। 10 मिनट से क्या हो जाता है पहले बता देते आप इनका, फिर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई मसला नहीं। ओके सर थैंक यू। गाइस निकलते हैं अभी यहाँ से, लगातार दो दिन से ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो प्लीज़ जो कोई भी आए तो हेलमेट डाल के आए। तो यहाँ पे आज ही 4 बजे दिन को एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी खतरनाक बाइक। अभी चलते हैं सीधा, तो ये अपना चनैनी नाशरी टनल तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, यहाँ पे नींद आना स्टार्ट हो जाती है यार। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों रोका है, क्या मसला हो गया, शायद जाना मना है आज। पर एक बात है, इस टनल में ना गर्मी लग रही है मुझे, इस टनल में ठंड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ठीक हो गया। अब यहाँ से आराम से चलते हैं, जितनी भी ज़्यादा ठंड लगी थी पीछे शरीर। फाइनली गाइस अभी हमने चनैनी नाशी टनल क्रॉस किया है, तो भूपे को लग रही है ठंड काफ़ी ज़्यादा, भूपे साकिब तो अभी हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे रुक के ठंड के थोड़े से नज़ारे लिए जाएं, तो थोड़े से थक गए थे, थोड़ी रेस्ट भी हो जाएगी, तो फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। हमें उस साइड जाना है सामने बटोत वाली साइड, यहाँ से आगे से टर्न लेंगे। अभी फ़िलहाल सारा रास्ता कवर हो चुका है, तो अभी जस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और 12 मिनट सो गाइस अभी हमें 12 मिनट लगेंगे और तो फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। होप कि आज व्लॉग आ जाए, आ जाएगा क्या लगता है? पक्का प्रॉमिस? आज ही आ जाए। आज डेट क्या है? आज डेट क्या है? फोन वे फोन गुम तो नहीं कर दिया भाई? भूपे है क्या बात करते हैं, डर गया था मैं, मैंने सोचा कि फ़ोन ना फेंक दिया इसने तो पीछे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, ज़्यादा नहीं 10 मिनट वहाँ पे रुके। एक्चुअली मैं हेलमेट दूसरी नहीं थी, फिर हेलमेट लाई तो फिर हम आए। तो यहाँ पे आज 4 बजे दिन को टनल के अंदर एक्सीडेंट हुए हैं, तो ख़तरनाक वाले। अगर जो कोई भी आए यहाँ से तो मैं तो ये बोलूँगा कि हेलमेट डाल के आए, डबल हेलमेट। तो आज ही गलती हुई है हमसे कि एक्स्ट्रा हेलमेट नहीं थी अपने पास, पर कोई नहीं हो गया। तो अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, आज मुझे पता लगा। तो इतना 10 मिनट उनके पास खड़े हुए, इतना मज़ा आया उनसे बातें करके तो काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या नहीं। तो मुझे नहीं लगता और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से निकलते हैं फटाफट, क्योंकि आपके लिए व्लॉग लाना है फटाफट। व्लॉग आज ही आएगा, आप देख सकते हो टाइम टाइम और डेट देख सकते हो आज। भूपे का तुम देख सकते हो वॉलपेपर कितना अच्छा। सो लेट्स गो गाइस चलते हैं। सो फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं बटोत में, और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी, अभी भी ठंड लग रही है। तो जस्ट अभी पहुंचे हैं, तो अभी एडिटिंग स्टार्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, फिर रेस्ट करेंगे और सुबह का देखेंगे कि पत्नीटॉप जाना है कि नहीं जाना है। जाना है, अभी इतनी दूर आए हैं तो जाएंगे और आगे पीछे घूमेंगे, तो फिर देखते हैं सुबह का कैसा रहता है कैसा नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया रास्ते में, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी चनैनी नाशी टनल पर, फिलहाल वो सॉल्व हो चुकी है। तो व्लॉग कैसा लगेगा कैसा नहीं तो कमेंट करके बताना, और मिलता हूँ एक अच्छी मस्ती वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। बाय 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 बाय।